नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज 15 जून है और आज मेरे अवतरण दिवस पर कई दोस्तों ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जो बधाई दी है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों। और अपन अब देखो दोस्तों, मेरे को एक चीज़ थोड़ी अखर रही है, अभी देख रहा हूँ मैं लगातार, कि जब हम लोग क्लासों में पढ़ाते थे ऑफलाइन क्लास में, और उस समय मेरे स्टूडेंट्स जो थे वो देखने पढ़ने के लिए रेगुलर आते थे और पढ़ के जाते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से जब हम फ्री में दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री वाले को पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि वो रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं। अधिकांश जो दोस्त हैं वो बिल्कुल पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। शुरू शुरू में देखा, उसके बाद में उस समय अच्छी रुचि थी, अब धीरे धीरे उनकी रुचि वापस, मतलब वो रुचि नहीं रही, वो रूटीन नहीं रख रहे वो जो शुरू में था, वो जोश और जुनून नहीं रहा कई में। तो दोस्तों, हम जब लगातार वही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। तो आप लोगों को मैं जहाँ तक मानता हूँ, आप लोगों को वही मेहनत और वही जोश जुनून के साथ में पढ़ाई करनी चाहिए और हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। दोस्तों, हमने एक ऐसा सिस्टम लिया है, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं होगा जो रेगुलर दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहा होगा जैसे क्लास में आज पढ़ाया, अगले रोज़ क्लास में जाओगे तो उससे आगे का पढ़ाया जाएगा। ठीक वैसे ही पढ़ा रहे हैं हम। बीच में हम जैसे साथ में आपको राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम और पटवारी की एग्ज़ाम नज़र आ रही है सामने, तो उसको देखते हुए हम यहाँ पर आपको इंडिया जीके के साथ में अजीजी सर के द्वारा राजस्थान जीके भी स्टार्ट करवाया गया है। महिपाल जी भी आपको राजस्थान जीके पढ़ा रहे हैं और साथ में साइंस में भी जो आपकी केमिस्ट्री चल रही थी उसके साथ साथ हमने बायोलॉजी भी स्टार्ट करवाई है। तो दोस्तों, एक बार बायोलॉजी, एक बार अगले रोज फिर केमिस्ट्री, दो सब्जेक्ट साथ चला रहे हैं साइंस में भी, और साथ में ही दोस्तों आपके लिए इंडिया जीके, राजस्थान जीके दोनों साथ में चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने जो ये स्टार्ट किया है वो राजस्थान पुलिस और पटवारी की भर्ती को देखते हुए किया है। आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़ो, बस हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो घर बैठे आराम से स्टडी कर सकें जैसे क्लासों में करते थे। इस उद्देश्य से ये चैनल शुरू किया गया है। इसमें आप लोग देखते होंगे कि हमारा कोई स्वार्थ होगा, स्वार्थ इतना ही है कि मेरे स्टूडेंट कभी भी ऐसा ना सोचें कि अब हमारे साथ में क्या होने वाला है, आगे अगर हमारी एग्ज़ाम होती है तो क्या होगा, ऐसे कंफ्यूज में ना रहें। आप लोगों को वही करना है जो आप अपना कर्म करते हैं। कर्म को लेकर के दोस्तों कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कर्म अपना अगर सही है तो कर्म के साथ यदि आप चलोगे तो एक दिन निश्चित तौर से सफलता पाओगे। दोस्तों, आज मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, कर्म के साथ मैं अपना ये आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोग पढ़ाई करो, रेगुलर हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि उससे ये लगे कि मैं देखता हूँ क्लास के अंदर आप लोग में से कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, सब देखता हूँ रोज़ कि कितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, कितने स्टूडेंट को रुचि है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि वास्तव में जो हमारी ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट अच्छी तरीके से इंटेलिजेंट थे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते थे, वो स्टूडेंट आज हमारी ऑनलाइन क्लास में भी हमारे साथ में है। बाकी स्टूडेंट रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोग जुड़ो और रुचि लेकर के पढ़ाई करो। दोस्तों, ऐसा मत करो कि आप नहीं पढ़ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक दोस्तों अपन ले रहे थे, अपना पासा चल रहा था डाइस, और डाइस में दोस्तों मैंने आपको मानक पासे के बारे में बात की थी पिछले क्लास में, और उसके अलावा दो जो पासे दिए होते हैं उनके बारे में अपने चर्चा की, उसके बाद में तीन पासे की स्थितियां दी हुई होती हैं उनके बारे में चर्चा की, और उसके साथ ही दोस्तों अपन ने जब तीन पासे की स्थितियां दी गई हों और उनके अंदर कोई एक, अगर मान लो पासे का जो आपका सतह है उस पर कोई अंक या पद या घटक नहीं लिखा हुआ हो तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, वहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। आज दोस्तों अपन बात करेंगे, अपन जब पासे की चार स्थितियाँ दी गई हों तो उसमें से अपन
जो आपको पूछा गया घटक है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और उसके साथ ही दोस्तों अपन बात करेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में, कि डिस्कस करेंगे जब चार आपके पास ये कि चार स्थितियां दी गई हो और कोई एक घटक कॉमन हो तो उस समय अपन लोग कैसे आंसर निकालते हैं। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करने वाले हैं जब पासे की खुली आकृति दी गई हो और उसमें जब कोई पासा बनता है या नहीं बनता है उससे, तो वो सारी चर्चाएं अपन आज की क्लास में करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग देखते रहिए, क्लास में रेगुलर बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करो। उसके साथ में ही आप देखो क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन अपन दोस्तों ले रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो चार आकृतियां आपके सामने हैं और इन चार आकृतियों में दोस्तों अपने को देखो कॉमन किसके विपरीत किसके पूछ रहा है, छह के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों। छह का विपरीत निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये चार आकृतियां दे रखी हैं आपको। मैं आपको बता दूं सीधा सा तरीका, एक ही ध्यान रखो आप लोग, चाहे वो तीन आकृतियां हो चाहे चार हो, वहां पर एक ही बात याद रखनी है कि आप लोग एक आकृति वो लेंगे जिसमें पूछा गया घटक मौजूद है। पूछा गया घटक क्या है दोस्तों, छह है। तो देखो इस आकृति में पहली में छह है, दूसरी में छह है, तीसरी में भी छह है, तीन आकृतियों में छह दिया हुआ है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक तो आकृति वो ले लो जिसमें पूछा गया घटक मौजूद है, और दूसरी वो आकृति लो दोस्तों जिसमें पूछा गया घटक मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो अपन आप लोगों के सामने तीन आकृतियों में छह दिए हुए हैं, आप चाहो तो एक नंबर वाला ले लो, दो ले लो, या तीन ले लो, तीन और चार को ले लो, दो और चार को ले लो, एक और चार को ले लो, कोई सी भी आकृति से निकाल लो। जैसे तीन और चार से निकालते हैं छह का विपरीत। तो दोस्तों देखो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, और देखो इधर छह आप लोग देखेंगे यहां पर दोनों के अंदर दो आकृतियां दे दी, तो दो के अंदर अपने को ये देखना है कि कौन सा घटक कॉमन है, कॉमन है भी या नहीं है, या दो घटक कॉमन है, कोई सी तीन स्थितियों में से कोई सी एक स्थिति आएगी। तो अपन यहां देख रहे हैं चार इसमें भी और चार इसमें भी है, बाकी पांच और छह नहीं है, एक और दो भी नहीं है, तो चार कॉमन आ गया दोस्तों। पहले ये देखो कि पूछा गया घटक जो कॉमन घटक से कहाँ है, तो घड़ी की दिशा में घूमते हैं दोस्तों छह। तो यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, चार से घड़ी की दिशा में घूमते हैं क्या है, एक। तो इसके आधार पर इन दोनों को देखते हैं, तो दोस्तों इन दोनों आकृतियों के आधार पर छह का विपरीत क्या है, एक। ऐसे अगर आप इन दोनों से निकालना चाहोगे तो भी देखो चेक करके देख लो, इसमें दो और चार दोस्तों कॉमन है। अगर दो आकृतियां दी गई हो, अपन दो आकृति ही ले रहे हैं सिर्फ तीन और चार नंबर वाले, तो अगर दो आकृतियां दी गई हो और कोई दो घटक कॉमन हो, दो और चार दोनों कॉमन है, दोनों के अंदर आ रहे हैं घटक, तो जो शेष बच गए वो एक दूसरे के क्या है दोस्तों, विपरीत। तो छह का विपरीत दोस्तों क्या है, एक है। ये देखो इन दोनों से भी एक आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अपन चेक कर सकते हैं यहां से इसको और इसको, इन दोनों आकृतियों से देखोगे आप लोग तो इन दोनों में आप लोग देखो दो जो है वो कॉमन है, दो इसमें भी है और दो इसमें भी है। दो से आप लोग देखो दोस्तों छह की स्थिति क्या है, दो से छह की स्थिति दोस्तों क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखो यहां पर घड़ी के विपरीत दिशा में छह है, यहां घड़ी के विपरीत दिशा में क्या है दोस्तों, एक। तो इस प्रकार से आप चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे दोस्तों इन इसको और उसको ले लो, मतलब एक नंबर और चार नंबर को ले लो, सभी आकृतियों से छह का विपरीत क्या रहा है, एक। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक। और उसके अलावा आप लोग बोलेंगे सर इसका छह का ही नहीं, आप हम पांच का भी निकालना चाहेंगे, पांच का विपरीत क्या होगा। तो पांच का विपरीत दोस्तों ऐसे निकालोगे, आप लोगों मैंने अभी कहा एक आकृति वो लो जिसमें पूछा गया घटक मौजूद है। देखो पूछा गया घटक क्या है दोस्तों, पांच है, तो ये किसमें है, तीन नंबर वाली आकृति में है। एक आकृति ये लेंगे और दूसरी आकृति दोस्तों कौन सी लेंगे, जिसमें पूछा गया घटक मौजूद नहीं है। तो देखो यहां पर इसमें तो दे रखा है पांच लेकिन इसमें नहीं है, तो यहां दोस्तों क्या करोगे आप, देखो इन दोनों को आकृतियों को, इनमें एक कॉमन घटक आ रहा है, कौन सा, चार। अब चार से पहले ये देखो पूछा गया घटक कहाँ है, घड़ी के विपरीत दिशा में है, मतलब इस तरफ है, और यहां पर देखो दोस्तों चार के विपरीत दिशा में, यहां पर सॉरी चार से घड़ी के विपरीत दिशा में यहां क्या है, दो। तो पांच का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, दो। ऐसे आप लोग चाहे इससे और इससे निकाल लो, इनको देखोगे तो देखो छह और चार कॉमन आ रहे हैं, जब दो आकृतियां दी गई और दो घटक कॉमन हो तो शेष बच गए वो एक दूसरे के क्या है दोस्तों, विपरीत है। इससे और इससे निकालेंगे तब देखो दोस्तों इन दोनों को आप लोग देखते हो तो क्या इनमें कोई घटक कॉमन है, तो यहां पर कॉमन आ रहा है दोस्तों छह। देखो छह से घड़ी की दिशा में चलते ही पांच आ रहे हैं, तो यहां छह से घड़ी की दिशा में चलते ही क्या रहा है, दो। तो इस प्रकार से पांच का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, दो, और जो शेष बच गए चार, तो चार का विपरीत दोस्तों क्या रह जाएगा, तीन। तो इस प्रकार से ये सभी घटक जो हैं इनके विपरीत हो गए। इसके बाद देखो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है पांच के विपरीत,
तो पांच का विपरीत आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहां देखो क्या आ जाता है पांच का विपरीत। अपने को एक घटक, एक आकृति वो लेनी है जिसमें पूछा गया घटक मौजूद है। आपको देखो यहां पर दे रखा है पांच इसमें और पांच इसमें भी दे रखा है। तो दोस्तों एक ये आकृति लेंगे और एक ये आकृति लेंगे। इन दोनों आकृतियों को लेकर के आप चाहे इसको लेकर के इसके साथ देख लो या इसकी और इसकी तुलना कर लो, दोनों इन आकृतियों की एक पूछा गया घटक मौजूद है वो आकृति लो, दूसरी वो आकृति लो जिसमें पूछा गया घटक मौजूद नहीं है। तो इन दोनों से निकालते हैं तो आप लोग देखते हैं दोस्तों इन दोनों आकृतियों के अंदर कोई भी घटक कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन घटक नहीं होता है दो आकृतियों में तो अपन देखते हैं यथास्थिति। दोस्तों यथास्थिति देखो जहां पर पांच है वहां पर इसमें क्या है दोस्तों चार। तो इसका मतलब इन दोनों आकृतियों के आधार पर अगर देखते हैं तो पांच का विपरीत क्या है दोस्तों चार। ऐसा ही आप यहां भी चेक करके देख लो दोस्तों, यहां चेक करेंगे तो देखो पांच और यहां जो पांच इसमें दिए हुए हैं इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो यहां इन दोनों के अंदर दोस्तों कॉमन क्या रहा है, तीन कॉमन आ रहा है, तीन कॉमन आ रहा है। तो तीन से आप लोग पहले पांच की स्थिति देखो कहां पर घड़ी के दिशा में है और यहां से पांच घड़ी की दिशा में चलते हैं तो क्या आ रहा है दोस्तों तीन से चार। तो पांच का विपरीत यहां भी क्या आ रहा है चार आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों अपन पांच का विपरीत निकालेंगे। दोस्तों यहां पर अगर मान लो आप कहते हो कि सर इसमें आप हमें एक का विपरीत निकाल के बताइए, एक का विपरीत अगर निकालते हैं दोस्तों तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक का विपरीत कैसे निकालेंगे, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो पहले अपन दोस्तों क्या करेंगे, एक वाली आकृति ये है इसको लेंगे और एक इस आकृति को लेंगे। इन दोनों आकृतियों को लेकर के अपन तुलना करेंगे तो इन दोनों के अंदर आप लोग देख रहे हो आपके सामने तीन कॉमन है, तीन कॉमन है, कॉमन घटक है। तीन से पहले अपने को एक देखना है कहां पर दिया हुआ है। तो देखो जस्ट घड़ी के विपरीत दिशा में दे रखा है तो दोस्तों यहां पर घड़ी के विपरीत दिशा में क्या है दो है। तो एक का विपरीत दोस्तों क्या आ रहा है दो आ रहा है इन आकृतियों को लेने पर। दोनों को अगर इन दोनों को लेते हैं तो देखो दोस्तों क्या हो जाता है, इन दोनों आकृतियों में कोई भी घटक कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। तो यथास्थिति देखते हैं पूछा गया घटक आपका एक यहां पर है तो इस आकृति में क्या है यहां पर दो। तो एक का विपरीत दोस्तों क्या आ रहा है दो। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो पांच का विपरीत चार, एक का विपरीत दो, अब अपने पास बच गया क्या तीन और छह। तो तीन का विपरीत पूछता है तो यहां पर दोस्तों क्या जाएगा छह और छह का विपरीत क्या जाएगा तीन। इसके बाद देखो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। देखो क्या आ जाता है इसका उत्तर, यहां पर देखेंगे अपन पूछा गया घटक कहां मौजूद है वो देखते हैं पहले। तो पूछा गया घटक मौजूद है अपना कहां पर, तीन नंबर वाली आकृति में, ये रहा तीन। अब देखो दोस्तों एक ये आकृति लेंगे और एक आप चाहो तो ये चार नंबर वाली आकृति ले लो। इन दोनों के अंदर देखते हो तो कॉमन घटक क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है अपना पांच। और पांच से आप लोग चेक करो घड़ी के विपरीत दिशा में है क्या जो पूछा गया घटक है वो। तो पांच से घड़ी के विपरीत दिशा में यहां पर क्या है चार। तो तीन का विपरीत क्या जाएगा दोस्तों इसमें चार। इसके अलावा आप लोग इसको और इसको लेते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इन दोनों को न लेके बोलेगा कि इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेंगे अपन तो देखो यहां पर एक तो पूछा गया घटक मौजूद इसमें इसको ले लिया और एक वो आकृति ले ली जिसमें पूछा गया घटक मौजूद नहीं है। तो यहां दोस्तों आप लोग देखेंगे तो इन दोनों के अंदर कॉमन घटक कौन सा आ रहा है, तो कॉमन कोई भी घटक नहीं है। तो जहां तीन है पूछा गया घटक वहां पर इसमें क्या है चार। तो तीन का विपरीत क्या रहा है दोस्तों चार। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आप इसको और इसको भी ले सकते हैं, एक नंबर और तीन नंबर से भी निकाल सकते हैं, एक नंबर और तीन नंबर से निकालेंगे तो इन दोनों के अंदर कॉमन घटक देखो दोस्तों क्या है, छह और पांच इसमें भी है और छह और पांच इसमें भी है। अगर दो घटक कॉमन आ जाते हैं दो आकृतियों में तो शेष बचे हुए घटक एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत। तो यहां चार का विपरीत क्या होगा दोस्तों तीन। आपने देखा पूरे क्वेश्चन को, इसको तीन वाला हो चाहे चार आकृतियों का दिया हुआ हो, सारे जो स्थितियां दी हुई होती हैं उनके अंदर जो दो दो आकृतियों वाली स्थिति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस किसी दोस्त ने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप फिर से देखें, जो डाइस का पार्ट नंबर एक है उसमें बताया रखा है। उसके बाद देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, अगर पासे की चार स्थितियाँ दे दी गई हों और कोई एक पासे के अंदर, एक स्थिति के अंदर कोई एक फलक है वो उसको खाली छोड़ देता है और वहां पर क्या भरना होगा अपने को, उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, देखो ये चार आकृतियां दे रखी है दोस्तों आपको। पहली आकृति में आप लोग देख रहे हो डी एम एस लिखा हुआ है, दूसरी में एस एम डब्ल्यू, तीसरी में वाई यू डी, चौथी में दोस्तों डब्ल्यू और यू, और यहां पर क्या दे रखा है खाली पथ। आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए जिस किसी दोस्त को आ रहा है। बाकी देखो दोस्तों अपन अभी हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था
जो कल वाली क्लास थी या पिछली क्लास थी सॉरी उस क्लास के अंदर, क्योंकि कल तो संडे था, उससे पिछली वाली जो क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको बताया कि भाई जो तीन पासे दिए हुए होते हैं उनमें एक पद खाली होता है, उस खाली पद में क्या भरना है। तो आज अपन बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में, चार आकृतियां दे दी और एक पद खाली दे दो कैसे भरेंगे। तो मैंने वहां पर एक रूल की बात की थी दोस्तों, और वो रूल देखो अपन ने क्या बात की थी। मैंने ये बात की थी आपको याद हो तो कि ऐसी जब आकृति का पद भरना हो तो वहां पर ऐसा करना, इन चाहे वो चार दी हुई हो और चाहे तीन दी हुई हो, उनमें से दो आकृति वो ले लेना जो आकृतियों में कोई एक घटक कॉमन हो दो में। तो यहाँ पर देखो एक नंबर वाली और दो नंबर वाली को देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों M और S दो घटक कॉमन आ रहे हैं दोनों में, ये नहीं ले सकते अपन। इसके अलावा देखो दोस्तों एक नंबर और तीन नंबर को देखो, एक नंबर और तीन नंबर को देखते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या कोई घटक कॉमन आ रहा है, तो यहाँ दोस्तों डी कॉमन आ रहा है। और अगर दो नंबर और तीन नंबर को देखते हैं दोस्तों, तो क्या यहाँ पर कोई घटक कॉमन है, कोई भी घटक कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को नहीं ले सकते अपन। किसको लेंगे, एक नंबर और तीन नंबर को, इनको लेते ही इसका उत्तर आएगा, मतलब वो आकृतियां दो चूज कर लो इसमें से, चाहे वो तीन आकृतियां दी हुई हो और चाहे दो चार दी हुई हो, आपको खाली पद भरने के लिए दो आकृतियां वो लेनी है जिनमें कोई एक घटक कॉमन हो। और यहां पर देखो डी दोस्तों क्या है, कॉमन है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, वही तरीका जो तीन वाले में लगाया वही यहां पर इसको खोल लेंगे दोनों पासों को। तो दोनों पासों को खोलने पर देखो क्या हो जाता है, यहां पर लेते हैं डी, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों डी, बद्दे में डी लिख लो। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलते हैं डी से, तो देखो दोस्तों क्या आता है एस, तो जहाँ पर आपके घड़ी के 12 बजते हैं वहाँ एस लिखो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं घड़ी की दिशा में, तो एम, तो आप लोग भी यहाँ घड़ी की दिशा में आगे बढ़ो, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों एम। उसके बाद दोस्तों ये कंप्लीट हो गया, तो इसमें आ जाओ, इसमें कॉमन घटक आपका डी है, और डी से जैसे ही चलेंगे आप तो क्या आ रहा है, U आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों फिर यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा U। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर आगे निकलते हैं तो देखो क्या आ जाता है Y। तो आप भी यहाँ से आगे चलते हैं, क्या लिखो Y। अब देखो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जो आपका S है उसका विपरीत तो क्या हो गया U, क्योंकि S से आप चलेंगे एक फलक छोड़ दिया, अगला क्या हो जाएगा विपरीत। और वाई से चलेंगे तो D वाला एक फलक छोड़ दिया दोस्तों, और अगला क्या हो जाएगा M, क्या हो जाएगा विपरीत। तो इस प्रकार से Y का विपरीत M है, S का विपरीत क्या है दोस्तों U है। लेकिन अपने को विपरीत ने देख करके यहाँ खाली पद भरना है, तो आप लोग कैसे भरेंगे, देखो U से चलते ही दोस्तों क्या आ रहा है, W आ रहा है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर W का कहीं नाम ही नहीं है, W आया ही नहीं अपने सामने। तो दोस्तों देखो जो S का विपरीत U हो गया, Y का विपरीत M हो गया, तो D का विपरीत क्या होगा, W हो जाएगा। वो W दोस्तों आप यहाँ भी लिख सकते हो, वो W दोस्तों आप यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि D का विपरीत W तो एक फलक छोड़ते अगला आ जाएगा, या D का विपरीत W तो यहाँ से एक फलक छोड़ा यहाँ भी आ सकता है। इसके अलावा आप इधर चलेंगे तो यहाँ भी आ सकता है, और इस तरफ चलेंगे तो यहाँ भी आ सकता है। अपने को जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर ये W आ जाएगा। देखो अभी अपने को क्या आवश्यकता पड़ रही है क्या इसकी, तो यहाँ से जैसे ही चलते हो आप, तो यहाँ से चलते ही दोस्तों देखो क्या रहा है W, तो W के बाद में आ गया खाली पद, और खाली पद के बाद वापस घूमते ही क्या आ गया दोस्तों U आ गया। अब एक चीज़ आपको मैंने पहले ही बताई थी दोस्तों, ये U जो है ये S का विपरीत है, अगर यहाँ लिखेंगे तो भी देखो S का विपरीत ही रहेगा, और अगर दोस्तों इसको यहाँ लिखेंगे तो भी क्या होगा, ये S का विपरीत ही होगा U। तो यहाँ दोस्तों देखो अपने यहाँ लिख रहे हैं तो S का विपरीत ही हो गया ये U। देखो अब U से चलते W चाहिए अपने को, तो W को दोस्तों अपन यहाँ उतार देते हैं क्योंकि D का विपरीत है, तो U से आप चले घड़ी की दिशा में तो आपका क्या आ गया W, और W से चलते ही दोस्तों क्या आ गया वाई, तो इस जगह दोस्तों क्या आ जाएगा Y, और Y से वापस घूमते दोस्तों देखो क्या आ रहा है U। तो इस प्रकार से देखो यहाँ भी वापस क्या आ गया U। तो अपना दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो Y होगा, जिस दोस्त ने Y आंसर दिया उनका सही है, बाकी सभी गलत हैं। उसके बाद देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, फिर चार आकृतियाँ दे रखी हैं और यहाँ पर खाली पर छोड़ रखा है, तो आप लोग हल करो इसको और कमेंट में आपका उत्तर दो दोस्तों। अभी मैंने तरीका बताया वही तरीका इसमें लागू होगा। अपने को दो आकृतियां वो लेनी है जिन आकृतियों के अंदर कोई एक घटक कॉमन हो, तो यहाँ एक नंबर और दो नंबर को देखते हैं अपन। तो एक नंबर और दो नंबर वाली आकृति में आप लोग देखोगे दोस्तों, यहाँ पर कॉमन घटक की बात करें तो यहाँ एक कॉमन आ रहा है, देखो इसमें और इसमें एक कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, एक को लिखेंगे ठीक यहाँ पर, और उसके बाद
ए से घड़ी की दिशा में चलते देखो क्या आ रहा है दोस्तों, बी। फिर उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ से चलते आगे क्या आ गया, सी। तो यहाँ क्या लेंगे, सी। उसके बाद देखो दोस्तों ए, यह आकृति पूरी होगी, यहाँ आएंगे, ए से चलते क्या आ रहा है, डी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, डी। फिर यहाँ से चलते देखो दोस्तों आगे क्या आ रहा है, एफ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ। तो इस प्रकार से सी का विपरीत तो दोस्तों क्या हो गया, एफ, और आपका बी का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, डी। अब इसके बाद देखो दोस्तों इन दोनों को क्यों नहीं लिया अपन ने, इन दोनों आकृतियों को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें डी और ई, देखो यहाँ पर डी और ई दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इसलिए इस आकृति को नहीं लिया। और इन दोनों को क्यों नहीं लिया अपन ने, इन दोनों को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें कोई भी घटक कॉमन नहीं है और इसमें दो घटक कॉमन है, तो अपन को पहले एक नंबर और दो नंबर की आकृति को लेकर के इस प्रकार से पूरे पास को खोलना है, उसके बाद में अपने को आंसर निकालना है। तो अब देखो दोस्तों क्या करेंगे अपन, बी से चलते ही क्या आ रहा है, ए। तो बी से चलते ही आ रहा है, बी से घड़ी की दिशा में ऐसे चलेंगे न कि ऐसे, तो घड़ी की दिशा में चलते देखो दोस्तों क्या आ गया, ए। ए से घूमते क्या आ रहा है दोस्तों, एफ। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, एफ। और उसके बाद एफ से वापस घूमते क्या आ रहा है, बी। तो यहाँ भी देखो दोस्तों एफ से वापस घूमते क्या आ रहा है, बी। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एफ है। जिन्होंने दोस्तों उत्तर एफ दिया वो सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। उसके बाद देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों अपन, अगर पासे को खोल के दे दिया जाए आपको, अगर पासे की खुली आकृति दे दी जाए और उसके बाद में आपसे पूछे कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है और कौन सी नहीं बनाई जा सकती है, तो देखिए दोस्तों इससे संबंधित खुली आकृति से संबंधित पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन दोस्तों देखो है आपके सामने, एक आकृति दे रखी है पासे की और पासे को अपन ने यहाँ पर ओपन कर दिया है और उसमें दिख रहे हैं आप लोग छः फलक देख रहे हैं और छः फलक इसके खोल चुके हैं और इनमें देखो इस पे एक है, इस पे दो, तीन, चार और पाँच, और यहाँ पर क्या दे रखा है, छः। अपने से दोस्तों क्या पूछता है, दी गई जो आकृति है पासे की खुली आकृति, इससे कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर पहली आकृति कैसे देखेंगे कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है और कौन सी नहीं बनाई जा सकती है, तो दोस्तों देखो यहाँ पहली आकृति को अपन चेक करेंगे तो पहली आकृति अपनी है एक, दो, छः है। तो यहाँ पर देखो एक से चलते ही घड़ी की दिशा में दोस्तों क्या आ रहा है, दो, फिर क्या आ रहा है, छः, और छः से वापस क्या आ रहा है, एक। तो आप लोग यहाँ भी चेक करेंगे, एक से घड़ी की दिशा में चलते ही क्या आ रहा है, दो, और दो से दोस्तों घड़ी की दिशा में चलते ही क्या आ रहा है, छः, और छः से वापस चलते ही क्या आ रहा है, एक। तो इस प्रकार से एक, दो और छः। उसके बाद देखो दोस्तों दूसरी आकृति आप लोग देखेंगे, दूसरी आकृति में आप लोग देख रहे हैं कि दो है, दो से चलते ही तीन आ रहा है, तीन से छः और छः से दो। तो दो से चलते ही तीन आ रहा है और तीन से घूमते ही क्या आना चाहिए दोस्तों, छः। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था जब पासे की आकृति खुली है तो पाँच का विपरीत यहाँ क्या है दोस्तों, छः। देखो यहाँ पर कैसे चेक कर रहे हैं अपन लोग, यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं, एक तो ये ध्यान रखना आपको कि दो विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं आएंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक जो है उसका विपरीत होगा तीन, क्यों, क्योंकि एक फलक छोड़कर हमेशा पासे में अगला फलक विपरीत होता है, तो एक से आपने एक फलक छोड़ दिया और उसके बाद ये विपरीत हो गया। दो के साथ में दोस्तों चार नहीं आ सकता क्योंकि दो का विपरीत चार है, अगर दो के साथ में चार दिखाई दे रहा है तो वो भी नहीं होगा। उसके साथ ही दोस्तों जो बाहर वाले हैं, जो आपके ये जो लिखे हुए हैं घटक छः और पाँच, वो एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यदि छः को आप यहाँ लाओगे तो भी विपरीत रहेगा और यहाँ लाओगे तो भी पाँच का विपरीत रहेगा, यहाँ ले आओगे तब भी पाँच का विपरीत रहेगा, और पाँच को भी आप दोस्तों आगे ले जाओगे यहाँ तक तब भी ये क्या होगा, छः का विपरीत रहेगा, लेकिन इस तरफ आने के बाद में इसका विपरीत नहीं होगा। तो यहाँ दोस्तों देख रहे हो आप लोग, ये देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ तीन है, चार है, पाँच है, तो तीन का विपरीत जो है वो एक है, वो तो यहाँ दिखाई दे रहा है, पाँच है तो पाँच का विपरीत छः, वो भी नहीं दिख रहा है, चार है तो दोस्तों चार का विपरीत क्या है, दो है, वो भी नहीं दिख रहा है। तो इस आधार पे अगर आपने बता दिया तो ये आप सोचेंगे कि ये आकृति बनाई जा सकती है, लेकिन ये आकृति देखो दोस्तों बनेगी या नहीं बनेगी केवल इसी आधार पर नहीं चेक करेंगे कि भाई विपरीत फलक इसके साथ में है नहीं है तो आपकी आकृति बन गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरा तरीका और भी चेक करना है, ये तो देखना है दो विपरीत फलक साथ में नहीं होने चाहिए, दूसरा तरीका और लगा के देखना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में एक बार एसएससी में पूछा गया है और उसमें लड़के को ऐसा लगा कि दो विपरीत फलक कोई से भी साथ में नहीं है, शायद अगले ने एग्जामिनर ने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ही गलत बना दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इसका जो रोटेशन है वो चेक करेंगे और रोटेशन चेक करते समय देखो तीन से चलेंगे तो यहाँ चार, तो तीन से चलते यहाँ भी देखो चार, चार से वापस देखो घड़ी की दिशा में घूम रहा तो पाँच, अब चार से घड़ी की दिशा में घूमते छः तो आ सकते हैं यहाँ,
लेकिन क्या पांच थोड़ा आ सकता है? नहीं आ सकता दोस्तों, इसलिए यहां पर यह आकृति नहीं बनाई जा सकती। और आगे वाली को चेक करेंगे तो तीन का विपरीत एक है वो नहीं है, चार का विपरीत दो है वो भी नहीं है, छः का विपरीत पाँच है वो भी नहीं है। और साथ में रोटेशन चेक करते हैं तो देखो दोस्तों क्या दे रखा है, तीन से चार, तो तीन से चलते ही चार और चार से घूमते ही क्या रहा है, छः आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखो दोस्तों इस छः को आप लोग यहाँ भी ला सकते हैं, तब भी देखो ये छः क्या होगा, पाँच से चलेंगे तो एक आकृति एक छोड़ दिया फलक और अगला विपरीत हो गया, तो छः फिर भी विपरीत ही है। इसलिए तीन से चलते ही चार, चार से चलते ही छः और छः से घूमते ही क्या आ गया, तीन। तो यहाँ भी देखो ये रोटेशन आ रहा है दोस्तों। तो इसमें कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, तीन नंबर वाली आकृति दोस्तों नहीं बनाई जा सकती। उसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, कई बार दोस्तों ऐसी आकृति आप लोग देखते हैं बुक में और क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कई बार। यहाँ पर देखो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं छह फलक कौन कौन से हैं, एक दो तीन चार पाँच, और ये जो बाहर वाली आकृति है दोस्तों ये सभी मिलाकर एक फलक बनाती है। और उस फलक की स्थिति जैसे आपको दे रखी है पहले वाले आकृति में, इस प्रकार से ये दोनों जब एक साथ जुड़ेंगे और ये ऊपर और नीचे वाला भी जब एक साथ जुड़ेगा तो ये आकृति बनेगी। तो ये कंडीशन हो जाती है इनको मिला करके। तो दोस्तों देखो यहाँ पर विपरीत फलकों की बात करें तो इस खाली का विपरीत ये खाली है, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक फलक छोड़ दिया अगला विपरीत हो गया। प्लस का विपरीत दोस्तों क्या आ जाएगा, प्लस ये जो खाली अगला दे रखा है वो आ जाएगा। और जो हैश है उसका विपरीत दोस्तों कौन सा आ जाएगा, ये जो चारों आकृतियां हैं बाहर वाली इनको मिलाकर जो आकृति बनती है वो आ जाएगी। तो यहाँ दोस्तों देखो अब इसमें ये पूछ लेता है कि बताइए कौन सी आकृति दी गई आकृति से बनाई जा सकती है, ये पूछ रहा है इसमें। तो देखो दोस्तों कैसे हल करेंगे अपन, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो हैश का विपरीत क्या है, ये बाहर वाली आकृति। तो देखो हैश के साथ में दोस्तों बाहर वाली आकृति दिखाई दे रही है, इसलिए देखते ही ये क्या है, नहीं बनाई जा सकने वाली आकृति है, इस आकृति से ये आकृति नहीं बन सकती। दूसरी आकृति को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है खाली खाली और खाली। तो देखो खाली का यहाँ से चलेंगे तो खाली आ सकता है, बिल्कुल खाली आ जाएगा। और यहाँ से घूमते दोस्तों अगर हैश आता है यहाँ पर, ये देखो हैश आ रहा है, ये आता तो ये बिल्कुल आकृति बनाई जा सकती थी, लेकिन फिर खाली दे दिया। अब देखो दोस्तों खाली का विपरीत खाली है, तो एक बार खाली ले ली, दूसरी आकृति फिर खाली ले ली, तीसरी खाली लेते ही ये मान लो इसका क्या आ गया, विपरीत आ गया। ये देखो इसका विपरीत आ रहा है तीसरी खाली लेते ही, तो इसका मतलब ये आकृति भी नहीं बनेगी। उसके बाद देखो दोस्तों तीसरी आकृति को देखते हैं, हैश के बाद चलते ही घड़ी की दिशा में प्लस आ रहा है। तो दोस्तों देखो देखें हैश के बाद में जब अपन घड़ी की दिशा में चलते हैं तो क्या प्लस आ रहा है, और प्लस के बाद में जैसे ही दोस्तों घूमते हैं तो यहाँ पर देखो खाली आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। इसके बाद देखो यहाँ पर खाली आ रहा है, तो यहाँ से खाली की बात करें तो देखो यहाँ भी खाली दे रखा है। तो ये इस प्रकार से रोटेशन में देखो चेक किया तो ये आकृति क्या हो सकती है, बनाई जा सकती है। चौथी आकृति की अगर बात करें तो देखो दोस्तों चौथी आकृति फिर क्या दे रखी है, चौथी आकृति के अंदर अपने को दिया हुआ है कि जो आपका ये है हैश, हैश से चलते ही खाली पद चाहिए। तो हैश से चलते ही खाली पद की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप चले तो हैश से चलते ही खाली पद आ गया। खाली पद से दोस्तों वापस घूमते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, प्लस। और प्लस से घूमते वापस हैश तो यहाँ भी क्या आ रहा है, हैश। तो इसलिए दोस्तों चार नंबर की आकृति बनाई जा सकती है। तो आप लोगों ने अधिकांश ने उत्तर दिया है तीन, तो इसमें आएगा तीन और चार दोनों आकृतियाँ बनाई जा सकती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज आपका ये डाइस का जो टॉपिक था, पासे का टॉपिक था, वो कंप्लीट होता है दोस्तों। और इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों आपको। और इसके साथ ही अपन अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में, और उसके साथ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।